खबर बालाजप्पर से, जहां पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर अपराध की रोकथाम में अपराधियों के पर अंकुश लगाने हेतु पुलिस के द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में बबेरू पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है और असलहा बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, जिसमे भारी मात्रा में असलहा व उपकरण बरामद हुए तथा दो अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। बता दें कि बबेरू कोतवाली पुलिस क्षेत्र अंतर्गत अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने एवं अवैध शस्त्रों की बिक्री व तस्करी करने वालों पर चलाए जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी राकेश कुमार सिंह के कुशल पर्यवेक्षण पर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पंकज कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस बीती रात्रि गश्त कर रही थी। उसी दौरान मुखबिर की सूचना मिली कि हरदौली गांव में अवैध असलहे की फैक्ट्री चल रही है, जिसमें एक युवक तमंचा खरीद कर बबेरू की तरफ आ रहा है। पुलिस तिंदवारी रोड नहर पटरी के पास संदिग्ध लोगों की चेकिंग व पूछताछ कर तलाशी लेने लगी, तब हरदौली रोड से बउआ उर्फ संदीप सिंह पुत्र अर्जुन सिंह निवासी परशौली थाना बबेरू आ रहा था और पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने दौड़ाकर नहर पटरी पर पकड़ लिया। तलाशी लेने पर एक अवैध तमंचा, 315 बोर और 2 जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद किया है तथा पूछताछ के बाद अभियुक्त की निशानदेही पर भारी संख्या में पुलिस बल रात्रि में ही हरदौली गाँव के गौरी खानपुर रोड निवासी उदय रैदास पुत्र ज्ञानी रैदास के घर पर छापेमारी की, जिसमें तमंचा बनाते हुए उदय रैदास को पकड़ लिया गया, जिसके पास से भारी संख्या में अवैध असलहे बरामद किए गए हैं। वे असलहे बनाने के उपकरण सहित जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस भी बरामद किया गया है, जिसमें बबेरू पुलिस के द्वारा असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए पकड़े गए अभियुक्त बउआ संदीप सिंह पुत्र अर्जुन सिंह, अभियुक्त उदय रैदास पुत्र ज्ञानी रैदास निवासी हरदौली, इन दोनों के खिलाफ बबेरू कोतवाली पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दोनों अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा से जेल भेज दिया गया है। बता दें कि जेल भेजने से पहले दोनों अभियुक्तों को पुलिस अधीक्षक अभिनंदन के समक्ष पेश किया, जिसमें पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया है। नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं, उसके दृष्टिगत हम लोग लगातार निरोधात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। अवैध असलहों का जो लोग प्रयोग करते हैं और जो इसको बनाते हैं, उन पर लगातार हम लोग नजर बनाए हुए थे और उनको बनाने पकड़ने के लिए हमारी टीमें लगी हुई थी। इसी क्रम में आज एक बड़ी सफलता थाना बबेरू टीम को लगी है, जिसमें कि हम लोगों ने एक बड़ी शस्त्र फैक्ट्री जो कि अवैध असलहे बनाती थी उसको हम लोगों ने पकड़ा है। इस शस्त्र फैक्ट्री को जो है उदय प्रताप रैदास, जो कि हरदौली एरिया का है, रहने वाला है, वो संचालित करता था। हम लोगों ने मुखबिर के माध्यम से व्यक्ति से इसकी तमंचे पता करने की कोशिश की, तो उस मुखबिर के माध्यम से हम लोगों को सूचना मिली कि यहाँ पर एक फैक्ट्री चल रही है। उस फैक्ट्री को जब पकड़ा गया तो वहाँ पर हम लोगों को टोटल मिला के 9 तमंचे मिले हैं, जो कि 5 जो हैं उसमें 315 बोर के हैं, 4 तमंचे हैं 12 बोर के, एक उसमें अवैध राइफल भी मिली है 315 बोर की। इसके अलावा हम लोगों को 22 जिंदा कारतूस मिले हैं, 38 खोखे मिले हैं और तमाम जो अवैध तमंचे बनाने के जो उपकरण होते हैं, जैसे ड्रिलिंग मशीन है, नाल है, अधबने कई पार्ट्स हैं उसके, वो सारी चीज़ें हम लोगों को बरामद हुई हैं और आगे भी इस चीज़ को हम लोग डेवलप कर रहे हैं कि ये कहाँ कहाँ किसको बेचते थे और कौन कौन लोग इस गिरोह में शामिल हैं।